कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म वही होता है जो सवाल करने की हिम्मत देता है। कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म राना अयूब होती है जो इन्वेस्टिगेशन करती है। कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म रवीश होता है। कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म राजकमल झा होता है। वोट ऑफ थैंक्स में वो सब कुछ कह देता है जो आज हिंदुस्तान में बोलने की जरूरत है। कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म मनीषा भल्ला होती है। मनीषा को जानते नहीं है, खाप पंचायतों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई एक निडर होके लिखना, बेझिझक होके लिखना, ये मनीषा ने बहुत अच्छे से किया। कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म वो भी होता है कि जब ये कहा जाए कि सारे मुसलमान एक ही तरह सोचते हैं तो ये मुल्क को बताया जाए कि नहीं, मुसलमानों में भी अलग अलग सोचने अलग अलग तबके मौजूद हैं। सब लोग ये कहने को तैयार नहीं है कि हमें ट्रिपल तलाक मंजूर है, हमको नहीं है। कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म ये भी कहता है कि शायद कुछ लोगों को होगी, शायद कुछ लोग हिंदुस्तान में शाबानो टू करना चाहते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नहीं करना चाहते। 2006 मुझे याद आ रहा है, बड़ौदा में शायद 30 अप्रैल की रात को लेट नाइट मेरे पास फोन आया कि चारों तरफ से हमारी कॉलोनी को घेर लिया गया है। और उसके बाद अगले तीन दिन बड़ौदा में एक राइड चला जिसको दरगाह राइड के नाम से जाना जाता है। मेरे ख्याल में रात के 12:30 बजे मैंने बरखा दत्त को फोन किया और उसी वक्त से लेके और अगले तीन दिन NDTV की टीम पूरे तीन दिन लगातार उसको पूरा मॉनिटर करती रही, वहां से उसको रिले करती रही। हालांकि एक व्यक्ति की मौत हुई, लेकिन उससे ज्यादा जो हमें डर था कि बहुत लोग मारे जाएंगे वो नहीं हुई। जब आपको ये मालूम हो कि आपके ऊपर भी हमला हो सकता है, 2002 की फुटेज अगर आपको याद हो राजदीप सरदेसाई की, जो आज नहीं आ पाए, बहुत मुझे बहुत अफसोस हुआ, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, कि राजदीप सरदेसाई वहां से बोल रहे हैं और पीछे से पत्थर आ रहे हैं, उसके बावजूद वो अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। या 2007 में तहलका के टेप्स निकल के आते हैं जो बाबू बजरंगी ने किस तरह से लोगों को मारा और किस तरह उस वक्त के मुख्यमंत्री ने उनको कहा कि तुम जो भी कर रहे हो कर लो, हम तुम्हें सेफ गार्ड करेंगे, और किस तरह तीन जज बदले गए बाबू बजरंगी को बेल दिलाने के लिए। ये कहना, ये कहने की हिम्मत रखना और उस वक्त ये सवाल उठाना जब लोग बोलने से डर रहे हो, इसको कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म। मुझे उम्मीद है कि क्योंकि ये बात सिर्फ उर्दू जर्नलिज्म की नहीं है, मुझे उम्मीद है कि जितने भी सहाफ़ी हैं जो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को, सेकुलरिज्म को, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के रखना चाहते हैं, वो अपने आप को उन कदमों पे चलने की कोशिश करेंगे जो रवीश ने राह दिखाई है। करना बहुत आसान है और ये जो ताकतें हैं ये सिर्फ पनपती हैं हमारे डर पे। ये लगातार हमको ये बताती है कि देखो ये फलानी जगह है, यहाँ पे जरा सोच के बोलना। अगर हमने सोच के बोलना शुरू कर दिया तो ये जान लीजिए कि जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेटिक स्पेसेस बची हैं, जिसको साफ पानी कहा मनीषा ने, वो जगहें हर रोज कम होती जाएंगी। हमको ये इंश्योर करना है कि हम उन जगहों को कम ना होने दें, हम किसी भी तरह धक्का दे के जो ये नफरत की बुलंद आवाजें हो रही हैं उनको पीछे धक्का देके हम मोहब्बत और प्यार और सेकुलरिज्म की जगह को लगातार बढ़ाते रहे। और उसके लिए हमको अपनी आवाजें बुलंद करनी बहुत जरूरी है, हमको लगातार सवाल करने जरूरी है,
फैज के शेर से ही खत्म करूंगी अपनी बात को, पता है लौ कदम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डुबो ली है उंगलियां मेरे, हरे हल्के जंजीर में सुबह में। बेहद शुक्रिया मोहतरमा शबनम हाशमी साहिबा। तो मैं भी